शरद यादव दिल्ली में आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर, कल होगा अंतिम संस्कार। जोशीमठ में 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा, इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शहर तेजी से धंसना शुरू हुआ। बक्सर में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर पत्थर फेंका, किसानों ने अश्विनी चौबे के खिलाफ नारेबाजी की। फिलीपींस में चिकन में 3 गुना महंगी प्याज, 1 किलो की कीमत 900 रुपए, चीन से तस्करी होकर आ रही। विमेंस आईपीएल की रेस में इंदौर अहमदाबाद समेत 10 शहर 5 की को मिलेगी टीमों की मेजबानी, 25 जनवरी को सामने आएंगे नाम। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव ना होने के विरोध में डंक पॉइंट के बॉम्बे सैयद गेट तक मार्च निकालने के बाद प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि अगर एएमयू इंतजामिया शीघ्र ही छात्र संघ चुनाव नहीं कराएगा तो छात्र बॉम्बे सैयद गेट का ताला बंद कर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। छात्रों ने एएमयू प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हमने मिलकर डिसाइड किया और जो है हमने वहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें 24 घंटे का हमने टाइम दिया है। अगर हमें 24 घंटे के अंदर चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके नहीं दिया जाता है तो ये बॉम्बे सैयद पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जब तक बंद रहेगा जब तक हमारा डेट नहीं मिलेगा। और यूनियन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत सारे परेशान हैं, किसी स्टूडेंट का सही से काम नहीं हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंटों के साथ बदतमीजी करती है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बर्दाश्त से बाहर है चीज़ें। तो इसलिए भी कई बार हो चुके हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार साहब से हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन एश्योर किया था कि हम जो है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया है। और आज जो हमने ये एहतजाज किया है इसमें साफ साफ अल्फाजों में हमने मेंशन कर दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर स्टूडेंट यूनियन का शेड्यूल नहीं आता है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर अगर अपॉइंट नहीं होते हैं तो अगले ठीक 24 घंटे बाद, अभी 7:45 हो रहा है, कल 7:45 पर यह गेट आपको बंद मिलेगा, यहाँ जो है धरना लगेगा। यहाँ हक की लड़ाई के लिए लगे यहाँ है जितने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की जो मांग कर रहे हैं, पिछले 4 बार मेमोरेंडम दे चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया को, लेकिन पिछली 4 मरतबा जो मेमोरेंडम दिया उसका कोई असर नज़र नहीं आया। लेकिन आज जो मीटिंग हुई सुलेमान हॉल में, सुलेमान हॉल की मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि मेमोरेंडम दिया जाएगा और उसमें 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर इलेक्शन डेट देते हैं, इलेक्शन शेड्यूल देते हैं, स्टूडेंट यूनियन का वक्त देते हैं तो सही, अगर नहीं दिया गया तो 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह इस बाबत। अलीगढ़ में थाना कुआरसी क्षेत्र के रामघाट रोड के पास नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक ओर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर मंदिर को हटाने की बात कही गई है तो वहीं दूसरी ओर हिंदूवादियों के द्वारा जमकर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने बेरंग लौटती नजर आई। यहाँ मंदिर हर बार टारगेट हो रहे हैं, मंदिर नहीं रोक तोड़ने दिया जाएगा, ना ही यहाँ से हटने दिया जाएगा, इसको प्रशासन भली भांति समझ ले। ये कितना पुराना ये है मंदिर? मैं आपको 100 से ऊपर पुराना मंदिर, 100 साल पुराना मंदिर है। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे पिताजी मेरे बाबा पूजा करते हैं यहाँ, तो आप समझ लीजिए कितना पुराना होगा। मेरी भी उम्र आज 40 साल होने जा रही है। नगर निगम को 2000 रोहियां बस रहे हैं अलीगढ़ के अंदर, वो अवैध नहीं दिखाई देते, ये मंदिर दिखाई दे रहा है इनको, अवैध रोहियां को निभाते ये लोग। प्रयागराज में 6 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देश विदेश से संगम तट पर साधु संत अलग अलग वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। वहीं साधु संत अपने शिविरों में विशेष पूजा अनुष्ठान करते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ इसी तरह से संगम लोअर मार्ग पर बनाए गए शिविर में मौनी बाबा महाराज विशेष अनुष्ठान करते हुए देखे जा सकते हैं। बता दें कि प्राइम टीवी से खास बातचीत के दौरान मौनी बाबा महाराज ने बताया कि राष्ट्र रक्षा का संकल्प कर उन्होंने 5.25 लाख रुद्राक्ष की माला का शिवलिंग बनाया है और 11,000 रुद्राक्ष की माला को अपने शरीर पर धारण किया है।
कुंभ नगरी प्रयागराज में 6 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत हो गई है। अगर संगम नगरी की बात करें तो संगम नगरी में तरह तरह के रंग नजर आते हैं, तरह तरह के साधु संत नजर आते हैं। अगर साधु संतों की बात की जाए तो कोई धर्म की रक्षा कर रहा है तो कोई राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। राष्ट्र की रक्षा करते हुए हमारे साथ एक साधु महात्मा है जिनको मौनी जी महाराज कहते हैं। हम मौनी जी महाराज से बात करेंगे कि ये किस तरीके का वस्त्र धारण करते हैं, किस तरीके से इन्होंने रुद्राक्ष का शिवलिंग बना रखा है, इस शिवलिंग बनाने के पीछे का इनका उद्देश्य क्या है और ये अपने शरीर पर 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। किस तरीके का आपने ये जो रुद्राक्ष धारण किया है इसका क्या उद्देश्य है और आपने जो शिवलिंग बना रखा है उसका क्या उद्देश्य है। देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा, साक्षात भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवपुराण में रुद्राक्षों का वर्णन है। एक मुख से लेकर 26 मुख तक के रुद्राक्ष शिवपुराण के शास्त्रों के अनुसार पाए जाते हैं। रुद्राक्ष किसी के द्वारा खरीदा नहीं होना चाहिए, वह प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होना चाहिए। हम जो रुद्राक्ष पहनते हैं, आज के 32 वर्ष पूर्व जब मैंने नेपाल में 41 दिन की भू समाधि ली थी तब महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जो संसार में नहीं रहे हैं, उनकी पति राजश्री लक्ष्मी उसमें जीवित थी, उन्होंने मुझे चंद्रमा और मुकुट और रुद्राक्ष मुझे भेंट किया था। शेष रुद्राक्ष मुझे महात्माओं के द्वारा प्राप्त हुआ है, सारे रुद्राक्ष मुझे प्रसाद के रूप में प्राप्त है। से जो शिवलिंग की आप दर्शन कर रहे हैं या 15,000 रुद्राक्षों से बनाई गई है, शिवपुराण में है रुद्राक्ष शिवलिंग एक ऐसी शिवलिंग है जिससे यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्मों के फल को भी देने वाला यह शिवलिंग आपके भाग्य का भाग्योदय कर सकता है। वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, कामना के लिए, श्री प्राप्ति के लिए, विजय के लिए, विद्या के लिए, पराक्रम के लिए, पौरुष के लिए, आरोग्यता के लिए, तेज के लिए, बल के लिए, धैर्य के लिए और सिद्धि प्रदा के लिए रुद्राक्षों का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार यहाँ बाबा की विग्रह स्थापित की गई है। मुख्य रूप से हमारा जो संकल्प है वह राष्ट्र रक्षा है। राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। राष्ट्र नहीं होगा तो गंगा नहीं होगी, गंगा नहीं होगी त्रिवेणी नहीं होगी, त्रिवेणी नहीं होगी तीर्थराज प्रयाग नहीं होगा, माघ मेला नहीं लगेगा, विश्व के लोग यहाँ आएंगे नहीं, इसलिए राष्ट्र बचा रहे तो राष्ट्र। लखीमपुर में बहजम क्षेत्र के चांदापुर अचनिया गांव में सप्तम दिवसीय रुद्र महायज्ञ एवं विराट मानस संत समागम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बड़ी ही श्रद्धा भाव और भक्ति रस के साथ श्री राम और श्री कृष्ण की महिमा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा वाचन के माध्यम से भक्तों को कथा के साथ यज्ञ की महिमा बखान किया गया। बता दें कि भागवत कथा एवं महायज्ञ की पूर्णाहुति और कन्या भोज भंडारा का 13 जनवरी को संपन्न होगा। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 मार्केट और फुटपाथ पर लगे रेहड़ी पटरी वालों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। बता दें कि काफी समय से क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण बढ़ रहा था जिसको लेकर जोनल प्रभारी विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ चलाया गया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अगर किसी भी दुकानदार ने अपने दुकान के सामने रेहड़ी पटरी या बक्सा रखा तो दुकानदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। औरैया जिले के विधुना थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में एक बस्ती में क्राइम ब्रांच व आबकारी टीम ने संयुक्त छापेमारी की जिसमें बस्ती में कई घरों में बन रही अवैध शराब को लेकर छापेमारी की गई। इस दौरान शराब बना रहे दो लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया। करीब 500 लीटर लहन को नष्ट किया गया, साथ ही कई लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। शराब माफिया अपने घरों के अंदर ही शराब की भट्टियों को जलाते हैं और इस भट्टी को जमीन के अंदर ही दफन कर देते हैं। कई बार आबकारी विभाग की तरफ से इस तरह के अभियान को चलाया गया लेकिन इसके बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं। जो है रेड डाली गई थी, ये उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विशेष प्रवर्तन अभियान चल रहा है और जिसमें जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला आबकारी अधिकारी महोदय कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज विधुना थाना अंतर्गत ग्राम आदर्श नगर में दबिश की थी। दबिश के दौरान भागदौड़ मची, तलाशी उलाशी करते हुए दो व्यक्ति गिरफ्तार किए।
अलीगढ़ में कई बिगड़े लड़कों का फिल्मी गाने पर तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई और लड़कों की तलाश करने में जुट गई। फिलहाल पुलिस को अभी तक वीडियो में दिख रहे लड़कों की कोई खबर नहीं है। रायबरेली में गदागंज थाने में तैनात दीवान महेश पाल यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दीवान सड़क नीलगाय से टकरा गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 112 ने आनन फानन में सीएससी दीन शाह गौरा लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में दीवान ने दम तोड़ दिया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही इस घटना में प्रशासनिक अधिकारियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। रायबरेली के बेतहासा जंगल में मृत सैकड़ों गौवंशों पड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो शासन प्रशासन में भगदड़ मच गई। वहीं वायरल वीडियो सिंघौर तारा स्थित गौशाला के समीप जंगल का बताया जा रहा है। साथ ही एसडीएम लालगंज व तहसीलदार पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को गंभीरता से लेते हुए 5-6 गौवंशों के हताहत होने की पुष्टि की है, जिसके बाद गौशाला संचालक व ग्राम विकास अधिकारी सहित पशु चिकित्सा अधिकारी सिंगौर तारा पर FIR दर्ज की गई है। के द्वारा प्राप्त हो रही थी उससे स्पष्ट था कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में पशु कुपोषण का शिकार होकर मर रहे हैं, उनकी चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं। इस संदर्भ में एक ज्ञापन सिंघौर तारा की गौशाला और कोडरा गौशाला को नामित करते हुए माननीय SDM लालगंज को दिया गया और उनसे निवेदन किया गया कि महोदय इसको संज्ञान में लेकर इन परिस्थितियों का निराकरण करने की कृपा करें। 3 महीने बाद कल रात में निराकरण का एक नायाब तरीका देखने को मिला, जब 200 पशु गौवंश कल एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ गौवंश का जो निस्तारण किया गया था, गड्ढे बहुत जो गहरे होने चाहिए थे कम गहरे थे, तो उसके कारण कुछ जैसे कुत्ता है कुछ जानवर मिट्टी हटा के इधर उधर मतलब उन्होंने करके और उनका वीडियो आया था। तो उसके जब हम लोग मौके पर आए जाँच किए तो हम लोगों ने देखा कि लगभग 10 से 12 जो जान मतलब मृत पशु थे, तो उन कुछ नीचे थे कुछ ऊपर थे। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट के DDA कॉलोनी शाह जमाल में एक विवाहिता के ऊपर उसके सनकी देवर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में महिला बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सनकी देवर ने फायरिंग की। फिलहाल पुलिस आरोपी देवर की तलाश कर रही है। मेरे पापा तो है नहीं क्योंकि तो उनको इसलिए उनके दरवाजे पे फायरिंग की गई है कि जो बोलेगा उसका हम ये हाल करेंगे, बस एक आपको मार देंगे। ये धमकी देते हैं मुझे हर वक्त के भैया बोलेगा तो भैया मारा जाएगा तेरा, दोनों में से एक भी। पाप मेरे है नहीं और मेरे मामू बोले, भैया भी बोले नहीं है, तो मेरे मामू का खूब खुलेआम फायरिंग करी गई है। ये देखो जब मालूम पड़ा कि फायर हो रहा है, 4 फायर खोले थे। अच्छा। राजस्थान की गाड़ी थी, वो लड़का अपने आप को राजस्थान का बता रहा था। हाँ। रहने वाला खुजिया का बता रहा था। हाँ। फिर कई बार वो राजस्थान में रहता है। हाँ। यहाँ पर इनका आपसी कोई विवाद है, उस विवाद को लेकर उन्होंने आके इस घर पे हमला किया और पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई, तमाम लोगों में भगदड़ मच गई बुरी तरीके से। मौके पे पुलिस पहुंची है। हाँ। ये तो पाल नहीं, बाहर से कौन आया? हाँ। तुम गाड़ी आई यहाँ पर? हाँ। आकर खड़े हुए उतरे। हाँ। पहले तो उतरते ही गाली गलौज करने लगे। हाँ। फिर 2-4 फायर करे उन्होंने। हाँ। फिर दरवाजे में लादे मारने लगे। हाँ। ले निकल। हाँ। तो मैं था अंदर, अम्मी थी और एक छोटी सिस्टर थी। तो अम्मी ने मुझे तो रोक लिया अंदर, कसम वसम दे के मुझे तो अंदर ही रोक दिया और वो यहाँ नहीं है, गाली गलौज करने लगे और गोली चलाने लगे। कौन है वो लोग? वो हमारे पप्पू की जो लड़की है उनके मियाँ थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।